नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों तथा दोस्तों, आज हम बेसिक अकाउंटिंग की एक टर्म जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट के बारे में जानेंगे। देखो, व्यापार में बहुत सारी संपत्तियां हैं, व्यापार में बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्या वह फिक्स एसेट को खरीदने के लिए होते हैं? हमें यह कैसे पता लगेगा कि कोई एसेट फिक्स्ड एसेट है हमारी? क्योंकि फिक्स एसेट हमारे जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद अगले साल भी जाती है जब तक वह संपत्ति खत्म नहीं होती है। तो यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि फिक्स एसेट क्या चीज़ है, स्थिर संपत्ति किसे कहते हैं। देखो, फर्स्ट कंडीशन ये है कि उस संपत्ति का यूज़ एक से ज़्यादा सालों में होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि हम उसका इस्तेमाल एक से ज़्यादा सालों में करें। और दूसरा, यह बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती, बल्कि बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए यह खरीदी जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये चांदी का गिलास है, ठीक, या कोई स्टील का गिलास है, तो इसको खरीदा जो भी कस्टमर है उसको पानी पिलाने के लिए। इसकी उम्र हो सकती है 20 साल है, 30 साल है। इसको मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि अपने कस्टमर को पानी पिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो यह मेरे बिजनेस की फिक्स्ड एसेट है। मान लो कि इसका मूल्य 3100 रुपये है, तो यह एक फिक्स्ड एसेट के रूप में मानी जाएगी। तथा इस ग्लास को हर साल मैं अगली बैलेंस शीट में, फिर अगली बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। इसी प्रकार से व्यापार में बहुत सारी एसेट्स होती है जिसका उपयोग हम बहुत सालों तक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर है जिसके सहयोग से मैं लेक्चर दे रहा हूँ। यह बिल्डिंग है जिसमें मैं बैठा हूँ। इसके अलावा ये चेयर, ये सब फर्नीचर में आता है, ये फिक्स एसेट है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट में होती हैं।